हेलो दोस्तों, मैं चंचल जैन स्वागत करती हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और इस वीडियो में हम जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग की उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेसिकली आपको सबसे पहले तीनों जो अकाउंट है उसका नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। रियल अकाउंट के अंदर हम सारी तरह की एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हम पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी इंक्लूड किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। तीसरा जो अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, इसके अंदर आपको सारे एक्सपेंसेस और लॉस, प्रॉफिट, इनकम, इन सबको इंक्लूड करना है, तो ये होता है आपका नॉमिनल। इसके बाद अगर हम एंट्री की बात करें तो आपको कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है इसके रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियरली याद करना है कि जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है रियल अकाउंट के अगर नेचर का आइटम है तो उसे डेबिट करना है, जो चीज़ बिजनेस में जा रही है यानी व्हाट गोज आउट क्रेडिट करना है। इसी तरीके से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का जो रूल है वो आपके पर्सनल अकाउंट में इम्प्लाई होगा, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करना है, साथ ही साथ इनकम और प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रियल अकाउंट के अंदर सारी तरह की एसेट लाइक कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, ट्रेडमार्क, ये सब आएंगे। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो अमन अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आएंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर भी सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल्स, कमीशन, ये सारे आइटम इंक्लूड होने वाले हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।